गुड मॉर्निंग मॉडल किड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सब लोग अपना ख्याल रख रहे हैं? वेरी गुड। क्लास बच्चों, मैंने आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? पड़ोसी का कर्तव्य, है ना? कंप्लीट हो गया था ना? कुछ बुक वर्क है जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है? उसको आप लोग करिएगा और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 3। ठीक, कुछ चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है और कुछ बुक वर्क और कॉपी वर्क है, आप लोग उसको करिएगा, मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ओके, ठीक है, इसको आप लोग रीड करिए। ठीक, बहुत समय पहले की बात है, राजा जनक के कोई संतान नहीं थी, वे प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। एक बार उनके राज में वर्षा नहीं हुई, सर्वत्र सूखा पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इस समय का समाधान निकालने के लिए राजा ने शास्त्रों का ज्ञाता विद्वानों एवं पंडितों को बुलाया। सबने विचार करके सलाह दी कि यदि राजा और रानी खेत में सोने का हल चलाएं तो वर्षा अवश्य होगी। उनकी सलाह मानकर रानी और राजा खेत में हल चलाने हेतु गए। जब राजा और रानी हल चला रहे थे तो वह एक स्थान पर रुक गया। हल की फाल किसी वस्तु से टकरा गई थी। खुदाई करते हुए वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया, उस घड़े में एक सुंदर कन्या थी। राजा और रानी ने जैसे ही उस कन्या को गोद लिया, वो बहुत ज़ोर से वर्षा होने लगी। राजा जनक उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका नाम सीता रखा। हमारे चैप्टर क्या नाम है? सीता। सब लोग जानते हैं ना, राम कौन थे, सीता कौन थी, उन्हीं के बारे में कहानी है, जो भगवान जी हैं, प्रभु जी हैं हमारे, ठीक है, हमारी माता हैं, उनको सीता माता बोलते हैं ना, ये सीता माता पे ही कहानी है, ये उनका नाम सीता रखा। जब वह खड़ी हो गई तो राजा जनक ने उनका विवाह करने की घोषणा की। जब वह बड़ी हो गई तो राजा जनक ने उनका विवाह करने की घोषणा की। उनके महल में भगवान शिव का एक पुराना व भारी धनुष था। उन्होंने शर्त रखी, जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। अनेक देशों के राजा आए, सभी ने बारी बारी से प्रयास किया, पर कोई भी धनुष नहीं उठा पाया। श्री रामचंद्र या लक्ष्मण जी भी अपने गुरु के साथ वहाँ पहुँचे। रामचंद्र जी ने धनुष उठाया, जब वे उनकी डोरी कसने लगे तो धनुष टूट गया। शर्त के अनुसार सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ हो गया। ये आप लोग को तो पता होगा ना इस कहानी के बारे में, श्री रामचंद्र जी का और सीता जी के बारे में सबको मालूम है ना, तो ये उन्हीं के बारे में, माता सीता और भगवान श्री राम जी के ऊपर एक कथा है, जो सच है। जो सीता माता का विवाह राम जी ने जब धनुष तोड़ा था तब उनके साथ उनका विवाह हुआ था, ठीक है। उनके भाई का क्या नाम था? लक्ष्मण। और रामचंद्र जी के पत्नी का क्या नाम था? सीता। तो ये उन्हीं के बारे में कहानी है, सब लोग उसको रीड करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। जनक कौन थे? राजा जनक कौन थे? सीता जी के पिताजी थे और उनके पालन पोषण उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग रीड करिएगा, वो इंटरेस्टिंग है। और ये शब्द अर्थ है तो आप लोग कॉपी में करिएगा, ठीक। और ये शब्द अर्थ आपके ना कॉपी में जो करेंगे, ये चैप्टर 3 डाल के पहले शब्द अर्थ कर लीजिए, वो बाद में शब्द अर्थ करिएगा, पहले सेकंड चैप्टर का जो वर्क है बुक वाला इसको देख लीजिए, सब कम आपको बुक में करना है। चैप्टर सेकंड का दिख रहा है सबको, किसने कहा, चित्र देखकर इनके लिए एक शब्द लिखिए, ये सब क्या करना है आपको, बुक में करना है, ठीक। बुक में ही कंप्लीट करिएगा इसको। और ये जो चैप्टर 3 का सीता जो शब्द अर्थ है, चैप्टर 3 डाल के ये शब्द अर्थ करिएगा सब लोग, ठीक। और चैप्टर 2 में जो काम करेंगे आप लोग, बुक में करना है, ठीक। और कॉपी वर्क तो हो गया था, बुक वर्क करिएगा उसको, और कॉपी वर्क में चैप्टर 3 का शब्द अर्थ है। सबको समझ में आया? जो प्रॉब्लम होगी आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी जो भी होमवर्क में आप लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।